सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमन स्वागत करता हाँ तुहाडा सारिआं दा अमीत अकैडमी दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते। थंबनेल देख के तुहानूं पता लग ही गया होएगा जी, पंजाब डीसी दफ्तर दे विच भर्ती जिहड़ी है जी आउट कर दित्ती गई है। इस दे विच की एलिजिबिलिटी मंगी गई है, कौन कौन एलिजिबल होण वाला है, वैकेंसीज़ कीड़ियाँ कीड़ियाँ ने, वह भी तुसीं देख पा रहे हो। लेकिन पूरी फुल फ्लैज जानकारी वह मैं तुहानूं अगे वीडियो विच दवांगा, सो तुसीं वीडियो नूं एंड तक पूरा जरूर देखना है जी। इस दे विच काफ़ी अलग अलग तरह दीआं वैकेंसीज़ आउट होईआं ने, ग्राम रुजगार सेवक, डेटा इंटरप्रेटर, तकनीकी सहायक ते होर वी कई वैकेंसीज ने जिहड़ियां आउट कीतीआं गईआं ने, जिहड़ियां आपां डिस्कस करांगे अगे नोटिफिकेशन दे विच। सो तुसीं अगर हले तक इहदे लई अप्लाई नहीं कीता है तां वीडियो पूरी देखना ते इहनूं अप्लाई जरूर कर लैणा, क्योंकि इहदे च काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल होणगे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले। और अगर तुसीं फस्ट टाइम साडे चैनल ते आ रहे हो, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना और नाल दे नाल बैल आइकन वी दबा देना, जिहदे नाल तुहानूं हर एक रिक्रूटमेंट रिलेटिड अपडेट तुहाडे मोबाइल दे विच मिलदे रहणगे, चाहे वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या फिर सैमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वालों आउट किए गए हो। तुहानूं हर तरह के अपडेट तुहाडी ईमेल बॉक्स च मिलते रहेंगे, सेंटर स्टेट के अपडेट्स, और प्लस इस दे विच तुहानूं एग्जाम रिलेटिड अपडेट या फिर किसी तरह का रिजल्ट कोई आउट होंदा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संबंधी सारी जानकारी तुहानूं साडे चैनल तो मिल जाएगी। और बाकी अगर तुसीं वीडियो रूप में नहीं लैना चाहते या सिर्फ अपने नोटिफिकेशन चाहते हो, तो उहदे लई तुसीं साडी जिहड़ी वैबसाइट है उहनूं सबसक्राइब कर सकते हो। उहदे लई तुसीं सिंपली जाना जी वैबसाइट गूगल दे विच जाना, गूगल जाके टाइप करोगे clory.com, फर्स्ट नंबर ते तुहानूं साडी वैबसाइट मिल जाएगी, उहनूं तुसीं सबसक्राइब कर लैणा ते उहदे नाल सारे अपडेट तुहाडे ईमेल बॉक्स तुहानूं मिलदे रहणगे। अगर तुसीं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उहदे लई बेस्ट स्टडी मटीरियल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, उत्थों तुसीं डाउनलोड करके अपनी तैयारी जिहड़ी है जी वह पक्की कर सकते हो। तो चलो हुण मैं तुहानूं लै चलदा जी नोटिफिकेशन ते, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपां शेयर करदे हां तुहानूं उत्थे जाके जी। ये असी आ चुके हैं जी नोटिफिकेशन ते, सब तो पहले असी डिस्कस करते हैं वैकेंसियां ते उहदे च सैलरी ते की जिहड़ा इहदे च मंगिया गया है। सब तो पहली वैकेंसी जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट लैवल ते है जी, वर्क्स मैनेजर दी है, जिहड़ी कि एक पोस्ट है जिन्हां ने एम टैक बी टैक सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, एम प्लैन या एम आर्किटेक्चर किया हुआ है, तो इस कंप्यूटर टैक्स जिहड़ा स्किल है, एम एस ऑफिस डेटा बेस फंक्शन का, इंटरनेट यूसेज का जिहड़ा है जी वो कंपलसरी है नॉलेज होना। इस दे विच एक पोस्ट जिहड़ी है जी आउट की गई है, जिस दे विच तुहानूं जिहड़ा है जी इहदे विच 20,000 जिहड़ी सैलरी है वह मिलन वाली है। इस दे विच तुहानूं सैकेंड पोस्ट की अगर असी गल करिए जिहड़ी कि आउट की गई है, जो कि है टैक्नीकल कोआर्डीनेटर की, जिहड़ी कि एक पोस्ट आउट की गई है जिन्होंने एम टैक बी टैक सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, एम प्लैन या एम आर्किटेक्चर की हुई है, वो ये अपलाई कर सकते हैं। कंपलसरी है कंप्यूटर टैस्ट, स्किल टैस्ट, एम एस ऑफिस डेटाबेस फंक्शनिंग की नॉलेज हो, और इस सैलरी 20,000 पर मंथ जी है जी वो रहने वाली है। नैक्सट पोस्ट की गल करिए टैक्नीकल असिस्टेंट की है जी, 5 पोस्टा आउट की गई ने, एम टैक बी टैक सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल ने। कंपलसरी है जिद उन्होंने मंगया हुआ जी कंप्यूटर टैस्ट स्किल, ठीक है जी, जो कि एम एस ऑफिस डेटा बेस फंक्शनिंग इंटरनेट नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसी सैलरी 17,500। उस तो बाद अकाउंटेंट दिया 4 पोस्टा ने जिन्होंने एम कॉम बी कॉम सी ए की हुई है, कंपलसरी है जिन्होंने एम एस ऑफिस डेटा बेस फंक्शनिंग की नॉलेज होनी चाहिए है। मतलब मेरे कुल मिला के सारे यही जी फंक्शनिंग है वह मंगी ही गई है। इस 11,000 तुहाडी सैलरी रहने वाली है जी। उस तो बाद कंप्यूटर असिस्टेंट दी है जी, 6 पोस्टा ने, बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल ने जिन्होंने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या बीसीए की हुई, बीएससी आईटी की हुई कंप्यूटर दे विच, तां वो अप्लाई कर सकते हैं। इस दे विच जिहड़ा टाइपिंग टैसट है वो जरूरी है जी, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश, तो 25 वर्ड पर मिनट जी है जी थोड़ा पंजाबी होना जरूरी है। 12,000 पर मंथ तुहाडी सैलरी रहेगी। उस तो बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिन्होंने बीए बीएससी डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर साइंस के मिनिमम 3 साल का, कंपलसरी है कि कंप्यूटर टैस्ट स्किल नॉलेज होवे उन्होंने, ठीक है जी। और इस टाइपिंग स्पीड सेम मंगी गई है, इस भी 12,000 पर मंथ तुहाडी सैलरी जी है जी ये रहने वाली है। नैक्सट अगर पोस्ट की गल करिए ग्राम रुजगार सेवक की, 22 पोस्टा ने जो प्लस टू वाले कैंडिडेट ने या हायर क्वालिफिकेशन वाले ने वो अप्लाई कर सकते हैं इस दे विच, और इस जी 10,700 तुहाडी सैलरी जी है जी वो रहने वाली है। उस तो बाद जी वैकेंसीज आउट हुई ने मनरेगा स्कीम के अधीन हुई ने जी, स्टाफ में तनखा जी है जी वो दी जाएगी। तो इस जे जनरल फीस जनरल वाले कैंडिडेट लिए 300 फीस रहेगी, तो SC BC कैंडिडेट आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग साबका फौजी, ठीक है जी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जोड़े ने अंगहीन ने स्वतंत्रता संग्रामी खिडारियों 150 रुपया जी फीस पे करनी होएगी जी। जिहड़े भी लोकलेट होणगे जिद्दां कि फाजिलका दे लोकलेट होणगे उन्होंने प्रैफरेंस दी जाएगी। इस भर्ती विच किसी किस्म की सोध की जा सकती है, सो गिनती जिहड़ी है जी घटाई या वधाई भी जा सकती है। सो तुसीं जिहड़ा है जी अपना इस दे संबंधी सूचना जिहड़ी है इहनां दी वैबसाइट fazilka.nic ते अपलोड कर देणगे। इन्हां समियां नूं आरजी तौर पर है यह भर्ती किसी भी उम्मीदवार की तुरंत प्रक्रिया में बिना किसी नोटिस के रद्द भी कर सकती है जी। सो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया जी इहनां दी वैबसाइट ते, लास्ट डेट जी अपलाई करन दी 21/10/2021 है। ऑनलाइन वैबसाइट
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ fazilka.nic.in 'ਤੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।